हमने हम लोग अभी आए थे उसामा भाई के पास, उसामा से हमने लिया सेम कवर। ये इसका कवर है, मेरा कवर मैं कैसे दिखाऊंगी, तुम्हारा कवर मैं बनाती हूं। ये देखो शीशे में दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, ये देखो हम दोनों का सेम है, अपना कवर तुम्हारा कवर मेरा कवर सेम कवर। एक सेकंड यूं दिखा सकते हैं, ये देखो अभी जो है 4 बज रहे हैं और अभी हम लोग आए हैं शाहरुख के जूते लेने के लिए। आज जो है चांद रात है और आज हम इसके जूते लेने हैं बिल्कुल लास्ट डे में, क्योंकि इसको टाइम नहीं मिला। हम देखते हैं इसको कौन से पहन, इसको वैसे इसके सेम ऐसे हैं पहले, फिर भी ऐसे मैं इसको कुछ बोलूँगी नहीं, क्योंकि मैं इसको कुछ बोलती नहीं तो फिर कहते मेरी पसंद नहीं है, ये है वो सारी बातें सुनाते हैं मुझे, जिसको जो अच्छा लगेगा ये होता है। दूसरा ये देख रहा है ब्लैक, और आज ईद का दिन है और शाहरुख अजमल ने जो है आज पहना हुआ शलवार का। इधर दिखाओ शाहरुख, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। शाहरुख ये टैग कट करो जो तुम लगाए हो इसके ऊपर। आप सब ने कहा था कि इसको शलवार कमीज ही पहननी चाहिए, शलवार कमीज इसको जो जबरदस्ती मैंने इस बार शलवार कमीज पहनाई है। और अभी ये सूट लेके जा रहा है जो मेरा कैपरी, इसके मैंने कैपरी पहन कर लाना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसकी लंबी पैंट है। तो अभी ये जा रहा है मामी दिन के पास और मैं उठ चुकी हूँ, बस मैं भी घर की सफाई करती हूँ, जब तक ये वापस आएगा तब तक मैं घर की सारी सफाई कर लूँगी, फिर मैं भी कपड़े चेंज करती हूँ और तैयार होते हैं ईद के लिए। तो सफाई जो है मैंने घर की सारी कर ली है, शाहरुख गया है मामी दिन से मेरे कपड़े लेने के, जब वो आएगा तो फिर मैं तैयार होंगी। और गाइस मैंने इतनी प्यार लगी थी बट उसका कलर ही नहीं आया, अगर कलर था तो ये बहुत खूबसूरत लग रही थी बट मेहंदी का कलर ही नहीं आया। अभी जो है ये मेरे बाल स्ट्रेट कर रहा है, ये आ गया वापस मेरे कपड़े लेके, ये देखो क्योंकि मुझे पीछे से मेरे बाल स्ट्रेट नहीं होते। ये देखो जो ये कर्ल बने हुए ना, ये वाले इनको ख़त्म करो। कपड़े मैंने पहन लिए, मुझे याद है कि मैंने मास्क लगाना, फिर मैंने मास्क लगा लिया ये वाला, क्योंकि जितनी जितनी के ना जितनी गर्मी है उसमें मेकअप करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, इसलिए मैं मेकअप नहीं स्किन केयर करूँगी और जो भी होगा बस इसी के साथ ही मैं अपना दिन गुजारूंगी, क्योंकि मैं दिल नहीं मान रहा कुछ और करने का। मैंने लगाया था मास्क लगाने के बाद जो है मैंने और कुछ भी फेस मेरे आप लोग देख सकते हो कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर मैं कुछ लगाती हूँ तो मेरा बहुत ओवर लगता है, क्योंकि मेरी स्किन इतनी ज़्यादा डल नहीं है, मतलब नॉर्मल है, ऐसी है कि मतलब सही लगेगा। तो मैंने जो है बस टिंट लगाया है हल्का सा मस्कारा और बस खत्म, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लगाना, क्योंकि मेरे मैंने देख लिया मैं बहुत बड़ी आंटी लग रही है अगर मेकअप करूँ तो। बस जो मैंने अक्सर डेली बेसिस पर करती हूँ मैं आप भी आर्ट मेक कर रही हूँ एंड फीलिंग कर रही है। गाइस मेरे पास क्या है, मेरे पास इतने प्यारे प्यारे जूते, इतने पसंद है मैं आप लोग बता सकती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, प्लस ये इतने ज़्यादा कंफर्टेबल है मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इसको पहनो और बस पाँव का दर्द ही खत्म हो जाता है, इतने मज़े के लगते हैं मुझे। हाँ आर वेरी गुड टू वेयर, कुछ इस तरीके के लग रहे हैं जूते मेरे, बहुत नाइस से क्यूट से। एंड बस मैं रेडी भी हो गई। ओ हाँ ये मेरा न्यू फोन कवर है, मैं आपको दिखाना भूल गई थी। और ये कुछ यूँ मेरी स्किन लग रही है, मेरा मेकअप कुछ इतना सा, प्लीज़ गर्मी है आप लोग भी मेकअप ना कीजिएगा, उल्टा मतलब इंसल्ट हो जाने सबके सामने अगर मेकअप कर लिया आप लोगों ने तो। और ये देखिए ईद का दिन और कितना माशाल्लाह खूबसूरत सा मौसम हो रहा है, हमारी हर ईद ऐसी गुजरे जिसमें अभी जैसे अभी ये मौसम है। और ये मेरे बेबी के साथ मेरी सेकेंड ईद है शाहरुख, अच्छा हाँ मेरी बेबी के साथ ही मेरी पहली ईद है जो हम मैं मेरा बेबी और शाहरुख साथ में गुजार रहे हैं। अभी ना मैं इतनी अच्छे से तैयार हुई हूँ और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे कह रहे हैं कि मतीरे के ऊपर किसी ने वेक रेखा के उठा दिए और वो भी छोटे बाल वाले, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। ईद के दिन भी मेरे साथ ये चीज़ें होती हैं, वैसे मुझे थाल बुलाया जाता है नॉर्मली देख जा, और अब जो है मुझे छोटे बालों वाली भी के साथ मतीरा बना दिया गया, इट्स ओके गाइज लेट मी क्लियर यू, हमारे जो है मतीरा को तरबूज को मतीरा कहते हैं, तो मैं सर में तरबूज कहना चाहती लेकिन मतलब हमारी ज़बान में उसने कहा तो इसलिए मैंने आप लोग को अपनी ज़बान में बता दिया। असल में अपने हवास खो बैठी थी, मुझे पता नहीं लग रहा है बात क्या कर रही हूँ, बहुत गहरा सदमा दिया ये बात करके मुझे इसलिए। और हमने खाया वहाँ से रोल और अभी मैं जा रही हूँ घर, घर जाने से पहले मुझे लेनी है मिठाई लेके जाएंगे घर और सबको खिलाते हैं और फिर दिखाते हैं, चले शाहरुख। और अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे सिंसिट, ये मेरी फेवरेट शॉप है, यहाँ से मतलब हमेशा मैं लेती हूँ मिठाई वगैरह। तो हम लोगों ने यहाँ से करवाई है 1 किलो मिठाई, हाँ जी हाँ जी मिक्स कर, ये ना डालिएगा ये नहीं, हाँ ये डाल दें, ये भी डाल दें, ये नहीं ये नहीं, हाँ एक वो डाल दें, एक ये आ गया चमचम डाल दें। तो मैंने इसके अंदर ये सब चीज़ें जो है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऐड करवाई जो मुझे खानी थी, हमने बनवाई है ये मिठाई
और बस अब इसको करवा रहे हैं हम लोग पैक, और ये पैक होने के बाद इतना क्यूट लग रहा है। और फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ। लिपस्टिक कलर मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा, अजीब सा लग रहा है। अभी यहाँ पे दरवाजा नॉक करेगी ना। ओ उसको देखो, ईद मुबारक फातिया। वाह भाई आज तो बहुत प्यारी लग रही हो। ईद मुबारक हमजा, ईद मुबारक। बाजी ईद तो दी नहीं आपने, पहले ले लिया, अंदर नहीं दिया है, तुमसे मांग रहे अपनी दी वो अंदर नहीं। भाई ये लो हमारी तरफ से ईदी, यही है ईदी आप सबको। अरे घर वालों का फर्स्ट रिएक्शन के सलवार कमीज कैसा लग रहा है ये? अभी बोला इंसान लग रहा है बाबर, ये कैसा लग रहा है सलवार कमीज में? इंसान लग रहा है ना? नहीं पहने उसने, फर्स्ट टाइम भैया ये पहनी है ना सब। हाँ नहीं पहनता हमजा, कैसा लग रहा है ये? अच्छा रमजान मतलब मुसलमान लग रहा है। भाई हमजा को भी ईदी दे दी है, मिल गई थी खुश। माशाल्लाह भाई हमारी पापा की प्रिंसेस इतनी प्यारी लग रही है। पापा की प्रिंसेस कहाँ खुली है? अरे वाह। अभी जो है हम लोग घर जा रहे हैं, ये दोनों जो है ना यहाँ पे तैनात होंगे। अबू इनको पकड़ो आप। घर में आए तो माँ का बीबी, माँ का बेटा वितु राजा देख रहा है शाहरुख के साथ टीवी, शाहरुख के साथ देख रहा है मोबाइल, एसी चला हुआ है गाइस, और गुल्लू साहब जो है खुश है। और मैं ना घर आ चुके, ना को प्रॉब्लम है मेरे मेकअप से, कहते हैं मेकअप क्यों नहीं किया, तो खैर अब देखते हैं, कह रहे मेरे मुंह को कोई करने लगी है कुछ। और अभी हम लोग आए थे रेस्टोरेंट, और हमें यहाँ पर मिल गए हमारे रिलेटिव्स। ऐसे समझ मतलब मेरी सिस्टर की तरह ये बहुत अच्छी है, और प्लस ये आंटी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मुबारक। आप सबने इनको देखा हुआ, तकरीबन सबको याद ही होगा इनका फेस। खुश लगे आप तो खैर, हमारी अम्मी की, मेरी अम्मी, आपकी अम्मी जी, दुआएं आपके साथ है बेशक, इंशाल्लाह जो देख रहे हैं वो सब आपके लिए बहुत सारी दुआ करेंगे। हाँ जी इंशाल्लाह, ऑफिस से अपना बेबी साथ इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया आप। ये हाँ जी ये है मेरी सिस्टर की जरूरत है। अच्छा मुझे आप लोगों से एक ये बात भी शेयर करनी थी कि इनका जो है ये बनाती हैं केक्स, और सीरियसली बहुत बहुत मज़े के बनाते, अच्छे क्वालिटी के होते हैं। अगर आप लोगों ने भी ऑर्डर करना, मैं इनका जो है मेंशन कर दूंगी पेज, वैसे आप बता दें अपने पेज का नाम, बेकिंग वर्ल्ड के नाम से। हाँ जी, और सच में इनका टेस्ट बहुत खाने का जो होता है ना, कुछ भी फेक कलर्स भी ऐसा नहीं है कि लगाए और हाथ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, वो हमेशा बहुत मज़े का होता है। लाजमी आप लोगों ने जाना विजिट करना है।